नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा का रियल फैक्ट जानने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, क्या मानना है। 3 साल होने वाले हैं गुरुजी समाज में नहीं हैं, तो अब लोगों का क्या कहना है। बात करते हैं हम सीधा लोगों से, सीधा रूबरू आपको उन लोगों से करवाएंगे जो रियल फैक्ट हैं। नमस्कार, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। आपका नाम क्या है, अपने हमारी ऑडियंस को बताइए जी। पहले धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा तारा देवी जी। तारा देवी जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? 20-25 साल से जुड़ रहे हैं जी। जी हाँ जी। आज भी आप डेरा सच्चा सौदा के ऊपर विश्वास करते हैं? हाँ जी, पूरा विश्वास, बहुत ज़्यादा, खुद से ज़्यादा विश्वास है। गुरु जी के ऊपर कितना विश्वास? बहुत ज़्यादा विश्वास है, खुद से ज़्यादा है। जब मालक ना होता तो पता नहीं हमारा क्या होता, कहाँ पर रुलते रहते हैं। जी जी। आप डेरा सच्चा सौदा में आपने बताया काफ़ी समय से जा रहे हैं, तो वहाँ पर मर्यादा कैसे रखी जाती है? मेरा दे सारे मर्यादा है, माता पिता की, बहन भाई की, जो भी मर्यादा है सब है। कोई कुछ ही केवे, हमने पूरा विश्वास है वहाँ पर। यहाँ मान लो कोई कुछ भी केवे वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पर तो परमात्मा का नाम है जी, जो कोई लेवे। आपका पूरा परिवार जाता है वहाँ? हाँ जी, पूरा परिवार है। बेटियाँ भी जाती हैं? हाँ जी, बेटियाँ भी है, बेटे भी है, बहू भी है, आई हुई है मेरी जी। तो हाँ, वहाँ पर बेटियों को लेकर सुरक्षा कैसी रहती है? बेटियों के लेकर सभी, जो घर में माँ बाप रख दे वहाँ पर, वो ही माँ बाप की तरह ही है, उसकी सभी बेटियाँ ही हैं जी। लेकिन तारा जी, हम आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि काफी कुछ लगातार चैनल्स के बारे में अलग दिखाया गया। चैनल का क्या, चैनल तो बहुत कुछ दिखाते रहते हैं, उन्होंने तभी से मतलब पीछे से जी। आपकी आस्था और विश्वास क्यों जुड़ा हुआ है आज भी? बहुत ज्यादा, जब पिताजी गए जब हमने, ऐसा लग गया जैसे कोई दुनिया ही हमारे लिए कोई उजड़ गई है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जब पिताजी हमने क्यों छोड़ के गए, अधूरा छोड़ गए, बीच छोड़ गए, हम कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। इस रिश्ते पे हमने किसी ने नहीं किया भाई, इस रिश्ते चलो, जो आपका भी हक है, जो परमात्मा का नाम लियो हर जी गए। तो आज ही मान लियो सारा परिवार जुड़ रहा है, सारा जो नशे से बच रही है आज परिवार है, मान लियो जो भी है, पहली में सास ससुर ने उनने नाम लिए, फिर घर वाले ने लिए, बच्चे ने लिए, सब लिए, सारी पीढ़ी जो सी तर गई है भाई, मान लियो नशा से बच रही है, और इस ऊपर और क्या हो सकता है जी। जी जी। और किस तरह के गुरुजी ने कार्य समाज के लिए, देश के लिए किया? बहुत ज़्यादा कार्य किए गुरुजी ने, जो कोई मान लियो कोई भी आके बोल देते है ऐसा ही, ऐसा है, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कार्य करे वो तो दिखाते ही नहीं है कभी भी, कोई दिखाते है कभी, यह कार्य करिए, भलाई के करिए, कितनी भलाई के कार्य करते हैं। 3 साल होने वाले हैं गुरुजी समाज में नहीं है, जो उनके सत्संग है लगातार लोगों को वो नहीं मिल रहे हैं, उनका समाज के अंदर ना रहने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो ये पड़ रही है अभी मालक को खुद खुदा हो, पता नहीं कितनी दुनिया तारनी इवन होते, तो दुख तो बहुत आता है, बहुत रोन होता है, बहुत रोते रहते हैं। जब महाराज जी गए तो कोई हाल ही कोनी था, कोई लेटा नहीं जगाई, कोई तोवे नहीं चढ़ाए भाई, इतना आज मालक देख ले इतना कुछ करे है, जो मान लियो बुराई के नशा पर चले उन कुछ भी को नहीं, जो ऊंचाई पर है उन्हें इतनी दुनिया इतना कुछ है। क्या क्या आज भी समाज को गुरुजी की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है समाज ने, बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये टीम चल रही है पिताजी की। सरकार से क्या मांग करोगी? सरकार से यही मांग करेंगे भाई, अब तक भी पिताजी ने भलाई की कार्य करे, आगे भी भलाई की करते रहेंगे। जल्द से जल्द महाराज जी आए यहाँ पर, पता है कितने बच्चे हैं उनके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे आपके भी मर। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रियल फैक्ट जो हम लोगों की जवानी पब्लिक आपके सामने आकर बता रही है कि किस तरह से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा ने समाज के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। और आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि समाज को, इस देश को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा की सख्त जरूरत है। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। रियल फैक्ट देखने के लिए, सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।